हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कंप्यूटर टेक। डॉक्टर कंप्यूटर टेक में आप सभी को स्वागत है। तो आज मेरे पास एक वीवो का फ़ोन है। इस फोन में इनसफिशियंट स्पेस मतलब इनसफिशियंट स्टोरेज का प्रॉब्लम है। ऐसा आपके भी फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपके फ़ोन में कुछ भी ज़्यादा डाटा नहीं रहता है, फोटोज़ वीडियोज़ नहीं रहता है, फिर भी आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल बता रहा है। तो इसका सोल्यूशन आप बिना किसी सॉफ्टवेयर करके और फोटो वीडियोस डिलीट ना करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आपके भी फ़ोन में क्या ऐसा प्रॉब्लम है, इनसफिशियंट स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है और फोन मेमोरी ऑटोमेटिकली फुल हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर करके। सो चलो चलते हैं और दिखाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो देखिए इस फोन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है। यहाँ पे जब भी कैमरा को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनसफिशियंट फोन स्टोरेज स्पेस, गो टू आई मैनेजर टू फ्री अप स्पेस नाउ, ऐसा करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर क्लीन करने के लिए जाते हैं तो आपका फ़ोटो वीडियो ये डिलीट करने के लिए कहेगा, लेकिन मैं आज ऐसा एक ट्रिक बताऊँगा जिसे आप अपना फोटोज़ वीडियोज़ को बचा के आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो की कर सकते हैं। आपके किसी भी फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाता है, ऑटोमेटिकली वायरस भर जाता है, तो इसको आप कैसे रिमूव कर पाएंगे तो वही मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो पहला जो वर्क है, यहाँ पे हमें पहले फ़ोन का जो सेटिंग है वहाँ पर चले जाना है, सेटिंग में। तो अभी सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग, मोर सेटिंग, एडिशनल सेटिंग नहीं तो मोर सेटिंग। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशंस का ऑप्शन है या फिर किसी भी फ़ोन में ऐप रहता है तो वहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे जो ऑल का ऑप्शन है ऑल में ओके कर देना है। ऑल में करने के बाद यहाँ पे जो ऐप्स डाटा होता है उसको चेक करना है, पहले कौन सी ऐप्स में ज़्यादा स्टोरेज ले चुका है। तो पहले तो क्रोम में देखना है और यूट्यूब में देखना है और उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर को देखना है। तो अभी क्रोम को हम देखते हैं, क्रोम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 79 MB है। तो ऐसे करके चेक कर लेना है जिस ऐप्स में ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए गूगल ज़्यादा काम नहीं करता है, फिर भी इसमें 800 MB का ये ऐप्स, इसका जो ऐप्स का जो स्टोरेज है वो क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैनेज स्पेस करने के बाद क्लियर डाटा में ओके कर देना है और यहाँ से कुछ स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। तो देखिए ऐसे जिस एप्लीकेशन में ज़्यादा स्टोरेज ले चुका है उसको क्लियर डाटा कर देना है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, यूट्यूब में जाना है, नीचे यूट्यूब होता है। सो देखिए यहाँ पे यूट्यूब में देखिए 3.94 मतलब 4 GB ले चुका है। यूट्यूब का जो ऐप्स का जो साइज़ है वो है 219 MB और यहाँ पे ले चुका है 4 GB, मतलब इसमें ज़्यादा वायरस भरा हुआ है। तो इसको क्लीन कर देना है, क्लियर डाटा, यहाँ पे क्लियर डाटा जो है वो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लियर, यहाँ पे क्लियर। तो क्लियर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इतना वायरस भरा हुआ है। तो आपके भी फ़ोन में अगर ऐसा वायरस है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन में है या नहीं। तो ऐसे करके ऐप्स का डाटा आप क्लियर कर देंगे तो आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा। तो ऐसे आपका फ़ोन का भी वायरस को डिलीट कर सकेंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर करके और फोटो वीडियोस को डिलीट ना करके। आप जब भी ऐसा प्रॉब्लम में फेस करते हैं तो आप फोटोज़ को और वीडियोस को, सारी वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, तब भी आपका फ़ोन का जो फ़ोन मेमोरी है वो फुल हो जाता है। तो इस ट्रिक्स को फॉलो करना, ध्यान से देखना। सो थैंक यू सो मच। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह मोबाइल का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो किसी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपका कौन सा फ़ोन का कौन सा प्रॉब्लम है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।